नमस्कार दोस्तों, खुदीराम बोस जन्म 3 दिसंबर 1889 हबीबपुर मिदनापुर जिला बंगाल, स्वर्गवास 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर। भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास महान वीरों और उनके सैकड़ों साहसिक कारनामों से भरा पड़ा है। ऐसे ही क्रांतिकारियों की सूची में एक नाम खुदीराम बोस का है। खुदीराम बोस एक भारतीय युवा क्रांतिकारी थे जिनकी शहादत ने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर पैदा कर दी। खुदीराम बोस देश की आज़ादी के लिए मात्र 19 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। इस वीर पुरुष की शहादत से संपूर्ण देश में देशभक्ति की लहर उमर पड़ी। इनके वीरता को अमर करने के लिए गीत लिखे गए और इनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। खुदीराम बोस के सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई जो बंगाल में लोकगीत के रूप में प्रचलित हुए। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में मिदनापुर जिले की हबीबपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के सिर से माता पिता का साया बहुत जल्दी ही उतर गया था, इसीलिए उनका लालन पालन उनकी बड़ी बहन ने किया। उनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। सन 1902 और 1903 के दौरान अरविंद घोष और भगिनी निवेदिता ने मेदिनीपुर में कई जनसभाएं की और क्रांतिकारी समूहों के साथ भी गोपनीय बैठक आयोजित की। खुदीराम भी अपने शहर के उस युवा वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन में शामिल होना चाहते थे। खुदीराम प्राय अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ होने वाले जुलसे में शामिल होते थे तथा नारे लगाते थे। उनके मन में देश प्रेम इतना कूट कूट कर भरा था कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और देश की आज़ादी में मर मिटने के लिए जंग ए आज़ादी में कूद पड़े। दोस्तों, इनका क्रांतिकारी जीवन इस प्रकार था। 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता आंदोलन के प्रगति को देख अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन की चाल चली, जिसका घोर विरोध हुआ। इसी दौरान सन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास बम रखा और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाया। वो रेवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। 28 फरवरी सन 1906 को सोनार बांग्ला नामक एक इश्तहार बांटते हुए बोस पकड़े गए, पर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। इस मामले में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया, परंतु गवाही ना मिलने से खुदीराम निर्दोष छूट गए। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया, पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ नामक रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, परंतु
गवर्नर साफ साफ बच निकला। वर्ष 1908 में उन्होंने वाटसन और पेम्पर्ट फुलर नामक दो अंग्रेज अधिकारियों पर बम से हमला किया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बच गए। दोस्तों, इसके बाद वो एक योजना बनाई, बंगाल विभाजन के विरोध में लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उनमें से अनेकों भारतीयों के उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। वो क्रांतिकारियों को खास तौर पर बहुत दंडित करना था। अंग्रेजी हुकूमत ने किंग्सफोर्ड के कार्य से खुश होकर उसकी पदोन्नति कर दी और मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया और इस कार्य के लिए चयन हुआ खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद इन दोनों ने किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय की निगरानी की। 30 अप्रैल 1908 को चाकी और बोस बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका, पर उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि दो यूरोपियन महिलाएं थी जिनकी मौत हो गई। अफरा तफरी के बीच दोनों वहां से नंगे पांव भागे। भाग भाग कर थक गए खुदीराम बेनी रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहां मौजूद पुलिस वालों को उन पर शक हो गया और बहुत मशक्कत के बाद दोनों ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया। उधर प्रफुल्ल चाकी भी भाग भाग कर भूख प्यासे से तड़प रहे थे। 1 मई को ही त्रिगुणाचरण नामक ब्रिटिश सरकार में कार्यरत एक आदमी ने उनकी मदद की और रात को ट्रेन में बैठाया, पर रेल यात्रा के दौरान ब्रिटिश पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को शक हो गया और उसने मुजफ्फरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी। जब चाकी हावड़ा के लिए ट्रेन बदलने के लिए मोकामा घाट स्टेशन पर उतरे, तब पुलिस पहले से ही वहां मौजूद थी। अंग्रेजियों के हाथों मरने के बजाय चाकी ने खुद को गोली मार ली और शहीद हो गए। दोस्तों, इसके बाद आता है खुदीराम बोस की गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया और फिर फांसी की सजा हुई। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 साल और कुछ महीने थी। खुदीराम बोस इतने निडर थे कि हाथ में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और शहादत ने उनकी इतना लोकप्रिय कर दिया कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगी और बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के लिए वो और अनुकरणीय हो गया। उनकी फांसी के बाद विद्यार्थियों तथा अन्य लोग ने शोक मनाया और कई दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। इन दिनों नौजवान में एक ऐसी धोती का प्रचलन हो चला था जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी खुदीराम बोस की, जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। नमस्कार दोस्तों।